हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम लोग। आज जानेंगे हम हेलमेट के बारे में। दोस्तों आप लोग अक्सर क्वेश्चंस देखते हो कि हेलमेट जब हम लेते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो दिमाग में दो तीन चीज़ें कंसिडर करके हमें चलनी होती है। सबसे पहली चीज़ होती है, जब ऑनलाइन आप हेलमेट लोगे तो किसी भी कंपनी का हेलमेट आप लो तो उसका साइज़ चार्ट ज़रूर देख लो। यानी कि साइज़ चार्ट वहाँ पर मिडिल, लार्ज, एक्सल, डबल एक्सल का साइज़ होता है। और वहाँ पे कहा जाता है कि मेज़रमेंट टेप होता है, उससे आप सर्कमफ्रेंस जो होगा, जो सर्कल का यहाँ इस पोजीशन से लेकर इतने पोजीशन तक आपको रैप करना है, और जो सेंटीमीटर आपका आएगा मेज़रमेंट उसी हिसाब से आप साइज़ मंगाएंगे, तो आपको कभी भी आइटम रिटर्न करना नहीं पड़ेगा। दूसरी सबसे चीज़ बड़ी होती है कि आप हेलमेट अगर ले रहे हो तो बेसिक रेंज का वो 200-300 वाला हेलमेट ना लो। हेलमेट अगर लेना है तो करीब करीब स्टार्टिंग अगर मिनिमम रेंज आपका होना चाहिए तो 1000 रुपये से ऊपर का हेलमेट लो। अगर आप 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख की बाइक अफोर्ड कर सकते हो तो स्वाभाविक सी बात है अगर आपके लिए 1,000-2,000 का हेलमेट मायने ज़्यादा नहीं रखेगा। खासकर आप सुरक्षा के इंतज़ाम से, सुरक्षा के हिसाब से बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। कभी गिरोगे तो इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन मैं आपको, अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो तो मैं कंसिडर करूँगा आप लोग को एक और अच्छा खासा इन्वेस्ट हेलमेट में इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि 4,000-5,000, जिसमें कि डॉट और इजी सर्टिफाइड हेलमेट्स होते हैं, टॉप नॉच हेलमेट्स होते हैं, एमटी के हेलमेट्स आते हैं, और भी बहुत सारी कंपनीज जो है टीएचएच हो गई, ये सब बनाती है उस हेलमेट्स। तो कल मैं धनबाद गया था तो मैंने एक हेलमेट खरीदा है स्टर्ट्स का, मैं आपको भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। स्टर्ट्स का हेलमेट खरीदा था मैंने, ये ऑफलाइन खरीदा है तो मेरे को 300 रुपये सस्ता पड़ा। तो ये पॉइंट भी एक कंसिडर करें हेलमेट खरीदने से पहले। अगर वो हेलमेट मॉडल, वो हेलमेट अगर आपके नज़दीक आसपास कहीं भी मिल जाता है तो आपको थोड़ी सी अच्छी डील मिल जाएगी। यानी कि ऑफलाइन में थोड़ा सा पैसा मार्जिन कम होता है, ऑनलाइन में वो लोग मार्जिन लेके चलते हैं। बात बाकी मैं लिंक डाल दूंगा, अगर जो रिमोट एरिया में रहते हैं जिनके पास वो एसएस नहीं है कि वो जाके ले सके और खर्चा ज़्यादा होगा तो वो फिर फ़ायदा नहीं है, वो ऑनलाइन ही मंगाए तो उनको अच्छा रहेगा। 100-200 रुपये अगर एक्स्ट्रा पड़ता भी है तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। तो अभी मैं आपको जो हेलमेट मैंने लिया वो कल ड्राइव एंड टेस्टेड है, रात में आया था मैं करके, तो उसका वो मच्छरों का अवशेष आपको वाइजर में दिखेगा। तो ये है हेलमेट दोस्तों, ये स्टर्ट्स का थंडर मॉडल वाला हेलमेट, आप देख लो सेल। मैंने जानबूझ के ये कलर लिया, ग्लॉसी टाइप का अच्छा लगता है, और इस तरह का है। यहाँ पे एयर वेंट्स है, एक दो एयर वेंट्स यहाँ पे है। कलर बताना कैसा लगा आप लोगों को, ऐसा बहुत सारा कलर था, पिंक, ग्रीन, पर मुझे ये अच्छा लगा। ये एक वेंट्स है, देख लो। एंटी स्क्रैच वाइजर है, ये स्मोकी वाइज़र पे आता है दोस्तों, ये स्मोक वाइज़र इसके साथ आता है। मेरे पास है पर मैंने ये एक्स्ट्रा ये वाला वाइज़र ले लिया था, 200 रुपये पड़ा। इसका इंस्टॉलेशन भी अगर कैसे करना, अगर आप चाहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका इंस्टॉलेशन भी बता दूंगा कि आप खुद से कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। मेरे एमटी हेलमेट जितना तो अच्छा नहीं है, पर फिर भी इस रेंज में मेरे को 1400 रुपये पड़ा, पर इस रेंज में अच्छा है। ये पिन लॉक सिस्टम है, ये पिन लॉक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आजकल के सारे प्रीमियम हेलमेट्स में आपको पिन लॉक मिलेगा। पैडिंग शेल भी अच्छा है, यहाँ एक विंड डिफ्लेक्टर दिया गया है। तो 1400 रुपये खास में एक इंडियन मैन्युफैक्चर्ड के द्वारा अगर बनाया गया हेलमेट सही है, और ISI सर्टिफाइड हेलमेट आप देख लो। और वज़न की बात करी जाए तो करीब करीब 1400 से 1500 ग्राम के बीच का होगा, और साथ ही ये कूल ग्राफिक्स। एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जब हेलमेट खरीदो तो आपको क्या चीज़, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो ध्यान देना होगा। जैसे कि मैं आपको हेलमेट पहन के बता देता हूँ, वाइज़र खोल देता हूँ, ऐसे ही बहुत गर्म है। ये जब आपने हेलमेट पहन लिया उसके बाद आपको इस तरह से माथा हिलाना, अगर हेलमेट ये जो है अगर नहीं हिल रहा है इसका मतलब साइज़ परफेक्ट है आपके लिए। लेकिन अगर ये हिलेगा, ज़्यादा हिल रहा है तो क्या होता है, हेलमेट भी ब्रेकिंग पीरियड टाइम होता है हेलमेट में, आपका सेप, आपका जो हेड है उसका सेप लेने में इसको 2-3 दिन 4 दिन टाइम लगता है। बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि वो लोग कंप्लेन करते हैं कि यार हेलमेट हम लोगों ने तो खरीद लिया पर बहुत कान दर्द कर रहे हैं, यहाँ दर्द हो रहा है, माथा दर्द कर रहा है। पर दोस्तों वो नेचुरल चीज़ है, आप अगर लेदर ग्लव्स भी खरीदोगे तो भी वो ब्रेकिंग पीरियड होता है, बाइक में भी ब्रेकिंग पीरियड होती है। तो वो ब्रेकिंग पीरियड जाने के बाद वो हेलमेट आपके फेस का सेप या आपके हेड का, स्कल का सेप ले लेगा, और वो थोड़ा सा ढीला होगा, पर हेलमेट हमेशा टाइट होना चाहिए ताकि कभी भी अनहैजर्ड या हैपहैजर्ड कंडीशन में वो हेलमेट आपके साथ इंटैक्ट रहे और आपको मेजर इंजरी नहीं आए। ऐसा तो कहा जाता है कि अगर हेलमेट आप 1 लाख का भी लो और वर्स्ट एक्सीडेंट होता है तो उसमें चांसेस कम होते हैं, पर फिर भी अच्छा हेलमेट विदाउट हेलमेट अगर हो तो सोचो कैसा इम्पैक्ट होगा। तो इस प्रोडक्ट का लिंक मैं डाल दूंगा, आप उस लिंक को चेकआउट कर सकते हो या फिर आप ऑफलाइन भी देख सकते हो। और अगर ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है
तो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, मैं ये लिंक दे दूंगा। दूसरी चीज़, अगर आपको और भी कोई डाउट लगता है या कुछ लग रहा है तो आप मुझे कमेंट में पिन कर सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और अगर इंस्टाग्राम में आप लोगों ने मुझे तक फॉलो नहीं किया है तो करें, और यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप लोगों का कंप्लेंट रहता है कि भाई आप वीडियोज़ तो बनाते हो पर रीच ज़्यादा नहीं, व्यूज़ नहीं आता। व्यूज़ आता है ऑडियंस रिटेंशन पे। अगर मैं 5 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, 10 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, अगर आप उसमें से 6 या 7 मिनट का वीडियो देख, मैं 5 मिनट या 7 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, अगर आप उसमें से 6 मिनट या फिर 3 मिनट भी देख लेते हो, 5 मिनट का वीडियो का 3 मिनट भी देख ले हो, तो ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा और यूट्यूब उसको ज़्यादा रीच करता है। बेसिक फंडा ये, और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, पर खैर यहाँ तक अगर देख लिया है तो लाइक करना ना भूले। तो बाय बाय, राइड हार्ड एंड राइड सेफ, सी यू लेटर।